ही एवरीवन, बवाल क्रिएटर्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। सो बिग बॉस शो में फुकरा इंसान की माँ उनके पास पहुंच गई हैं, क्योंकि ये इस बार फैमिली वीक है तो सब कंटेस्टेंट के घर वाले इस बार उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। एंड फुकरा इंसान की माँ को चांस मिला पूरी रात उनके पास स्टे करने का। उनको ये चांस इसलिए मिला क्योंकि वो खुद भी एक यूट्यूबर है और हो सकता है टीआरपी के लिए मेकर्स ने उनको बिग बॉस शो में रखा हो पूरी रात के लिए। सो जैसे ही फुकरा इंसान की माँ उनसे मिली, फुकरा इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और वो बहुत तेज रोने लगे, और ऐसे में एल्विश यादव भी इमोशनल हो गए। बट जहां एक तरफ ये सारे इमोशनल थे, ट्रिगर्ड इंसान ने उनकी ये स्टोरी पोस्ट करते हुए कुछ ऐसा रिएक्शन दिया। माता जी पहुंच गई बिग बॉस के घर में और आते ही जो फूट फूट के रोई हैं मम्मी भी, और अभी अभिषेक भी रो रहा है। मम्मी को वैसे मुंबई मैं लेकर आया हूँ, यू नो आई एम सच अ प्यारा बच्चा। कल मैंने भाई फर्ज निभाया, आज मम्मी के साथ सब कुछ काम धंधा छोड़ छाड़ के उनको मुंबई लेकर आया। मैं क्या क्यूड़ी हूँ मैं, बट ये रोए जा रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। मैं 45 डेज बाद मिले है ना। ओहो हो, हाँ सही है यार। तो तुम भी देखो अगर देखना चाहते हो तो। ओए होए, हंस दिया भाई, हंस दिया फाइनली। ये बिग बॉस वाले कितने खराब है यार। अब्बू ने पूछा आप कैसे आए हो, अकेले आए हो? मम्मी ने बोला नहीं नोनू मेरे को लेकर आया है, वो बेचारा होटल में पड़ा हुआ है। इन्होंने मेरा नाम म्यूट कर दिया भाई। भाई अब मेरे को पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी? अब बात करते हैं मलान फैमिली ने जो मीटअप किया था दिल्ली में फुकरा इंसान के लिए कि फुकरा इंसान को सपोर्ट करो। उसमें भाई साहब बहुत सारी भीड़ आई और उनका एक स्पेशल व्लॉग उन्होंने डाला जिसमें पूरी फैमिली ने बताया कि उनको किस तरीके की प्रॉब्लम सामने आई जब वो इस मीटअप पे पहुंचे। आई क्रेजी ऑडियंस, मुझे याद भी नहीं कि मैं कब उतरा और कब अपनी गाड़ी में पहुंच गया, कब गाड़ी से उतरा स्टेज पे पहुंच गया। मैं एनर्जी ड्रिंक पीने लगा, इतने में ऑडियंस में से एक लड़का ऐसा उड़ते हुए आया, लिटरली उड़ते हुए, और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये ऐसे कभी लोग इतना प्यार करेंगे ऐसा। मैं मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, जॉब छोड़ के ऐसा बस वीडियोस बनाता था घर से बैठ के, और ये सोचता था कि बस यार घर से बाहर ना निकलना पड़े। सबसे कमाल की बात है कि इस मीटअप में 20,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे फुकरा इंसान को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टोरी में बात करते हैं लॉर्ड पुनीत के बारे में। लॉर्ड पुनीत के बारे में एल्विश यादव ने फुकरा इंसान को बताया कि एक ही दिन में उस बंदे के 3 मिलियन फॉलोअर पहुंच गए, और इस पर फुकरा इंसान का रिएक्शन एपिक था क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था लॉर्ड पुनीत के साथ क्या हुआ जब वो बिग बॉस से निकले थे। बट एल्विश ने सब घर वालों को बताया कि लॉर्ड पुनीत की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है और उसने एक ही दिन में 3 मिलियन फॉलोअर गेन किए, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। फुकरा इंसान को तो ये सुन के यकीन ही नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं मनीषा रानी के बारे में। तो उनके पापा भी बिग बॉस शो में आए और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि अभिषेक बिग बॉस शो जीत सकता है जैसी बिहार स्टेट में उसकी वाइब चल रही है। नेक्स्ट स्टोरी में बात करते हैं, एक गोपाल शर्मा व्लॉग चैनल है जिसने फुकरा इंसान और एल्विश यादव को स्पेस में पहुंचा दिया। मतलब लिटरली इस चैनल के ऊपर सिर्फ 2 ही वीडियोस हैं और 5,000 सब्सक्राइबर इन्होंने गेन कर लिए हैं। इनकी पहली वीडियो लॉर्ड पुनीत के साथ थी और दूसरी वीडियो में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने हाल ही में ये वीडियो डाला जिसमें इन्होंने फुकरा इंसान और एल्विश यादव की फोटो को स्पेस में पहुंचाया और उसके बाद उसकी फुटेज भी डाली। और ये इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार हुआ है किसी क्रिएटर ने किसी दूसरे क्रिएटर को स्पेस में पहुंचा दिया हो। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ये वीडियो आप जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा ऑसम वीडियो है। अब बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी का एक नया वीडियो आया है जिस वीडियो में उन्होंने बताया कि ओजोन होल के साथ क्या हुआ, आखिर कैसे ये होल क्रिएट हुआ, और पूरी तरीके से ये एक साइंस फिक्शन वीडियो है। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रियल हिट के बारे में। तो रियल हिट का नया पॉडकास्ट आया है लव कटारिया और अनूप चहल के साथ जिसमें वो बता रहे हैं कि एल्विश यादव कैसे बिग बॉस शो में गए, कैसे उनको ऑफर मिला और किस तरीके से बिग बॉस शो में सिलेक्शन होता है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर उन्होंने बात की है इस पॉडकास्ट में। अब बात करते हैं एएस गेमिंग के बारे में। तो एएस गेमिंग ने एक नया वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि फ्री फायर गेम जो है वो वापस इंडिया में आने वाला है जो कि कुछ टाइम पहले बैन हुआ था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री फायर गेम की वजह से चले हैं, तो फ्री फायर फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब करते हैं अमन धतरवाल के बारे में। तो फाइनली उनकी शादी हो गई है शरदा कपड़ा से, जो कि उनके चैनल अपना कॉलेज पर वीडियोस बनाती हैं। एक्चुअली शरदा ने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब का ऑफर छोड़कर अमन धतरवाल टीम को ज्वाइन किया था और उसके बाद वो उनके साथ ही जुड़ी हुई है, और ऐसे में दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। अब बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने हाल ही में एक नया वीडियो डाला है जो करीबन 4 साल पुराना है। एक्चुअली उन्होंने 2019 में एक वीडियो शूट किया था पुराने फ्री फायर का, बट कुछ रीजंस की वजह से वो उस वीडियो को डाल नहीं पाए
और हाल ही में उन्होंने वो वीडियो अपलोड किया है। सो ये थी आज की बवाल क्रिएटर्स अपडेट। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही बवाल क्रिएटर्स अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।